गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों अच्छे से होंगे। पिछले वीडियोस जो मैंने आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस सी लैंग्वेज पर आधारित विषय पर आपके लिए बनाए और आप तक पहुँचाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा या लाभ आपको अवश्य मिल रहा होगा। तो जुड़िए हमारे साथ और सीखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। आने वाले समय में और भी बहुत विषयों के वीडियो, स्मॉल जानकारी प्रद इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं बनाता रहूँगा और निरंतर भेजता रहूँगा। प्रयास सिर्फ इतना कि कुछ फ़ायदा आपको मिले, कुछ नॉलेज आपको मिले। तो आइए उसी क्रम में एक नया वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कि फंक्शन को कैसे डेवलप करते हैं सी में। मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया कि फंक्शंस होता क्या है सी में, तो मैंने बताया था कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसका कार्य क्या है, जिसका वर्क है कि व्हेन उनको जब आप कॉल करें तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए। मैंने ये भी आपको मित्रों बताया कि भैया सी लैंग्वेज में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक तुम्हारा होता है जिसको कहा जाता है कि लाइब्रेरी फंक्शन, जो पहले से बना बनाया होता है, जिनको आपको सिर्फ प्रयोग करना है। बट लाइब्रेरी फंक्शन हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज टू अस। तो इसके लिए बच्चों हमको क्या है, हमको ऐसे फंक्शंस की आवश्यकता है जो कि जरूरत पड़ने पर हमारे हिसाब से हम उनको बना सकें और जब हम चाहें उनको यूज भी कर सकें। तो सी के कंपाइलर ने सामान्य यूजर को ये सहूलियत दी है, ये सुविधा दी है, ये अलाउड किया है कि जब आपको आवश्यकता हो आप अपना खुद का फंक्शन डेवलप कर लो। लेकिन ये बड़ा प्रश्न है कि हाउ टू डेवलप, कैसे हम डेवलप करेंगे सी में फंक्शंस को। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे फंक्शन डेवलप किया जाएगा। फंक्शन को यदि बनाना है तो कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियां आप तक होनी चाहिए, और आज के वीडियो में मैं वही जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं कि हाउ टू डेवलप बच्चों फंक्शंस इन सी। तो आओ कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं फॉर डेवलप फंक्शंस इन सी द फॉलोइंग steps are performed। हमको निम्न steps को करना पड़ेगा, perform करना पड़ेगा, required होंगे, जैसे भी आप समझ लीजिए। अंग्रेजी तो अलग बात हो गई, main मुद्दा है समझना। तो कौन कौन से वो steps हैं function development के, तो आइए मैं सीधे आपको board पे दे रहा हूँ। function को यदि आपको develop करना है C में, तो देखिए सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा क्या होगा, तुम्हारा फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन को आप डिक्लेयर कैसे करोगे बच्चों। दूसरा स्टेप होगा फंक्शन को डिफाइन करना। और तीसरे पार्ट में आप क्या करेंगे, फंक्शन बनने के बाद बचता ही क्या है, फंक्शन की कॉलिंग। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से किसी भी स्टेप को हम छोड़ नहीं सकते। अगर आपको सी में फंक्शन को डेवलप करना है तो तीन प्रमुख स्टेप्स हैं जिनकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। इन्हीं तीन स्टेप्स के द्वारा आप फंक्शन को डेवलप कर सकते हो, या फंक्शन को कॉल कर सकते हो, या कहें तो फंक्शन को बना सकते हो। कौन कौन से, सबसे पहला तुम्हारा फंक्शन का डिक्लेरेशन। इस फंक्शन डिक्लेरेशन में बच्चों क्या होता है, फंक्शन के डिक्लेरेशन में होता यह है कि आपको ये बताना पड़ता है कि जो फंक्शन आप बनाना चाहते हैं बच्चों उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका नाम क्या होगा। आपको सी में एक चीज बताई गई होगी, आइडेंटिफायर्स।
कि हर एंटिटी जिसको हम निर्माण करते हैं उसका एक यूनिक नाम होता है। तो फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन का आर्गुमेंट कितने होंगे, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये सारा कुछ किस फेज में आप बताते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन फेज में। इसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना, या कुछ लोग इसी को बॉडी ऑफ फंक्शन भी कहें तो गलत नहीं होता, कि जो फंक्शन तुमने डिक्लेयर तो कर दिया भले शौक से, नाम भी बता दिया बहुत खुशी से, लेकिन भैया वो फंक्शन कार्य कैसे करेगा, खाली डिक्लेयर करने से वो कार्य वार्य नहीं करता भाई, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी लॉजिक लिखनी पड़ेगी, उसका तरीका बताना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका फंक्शन वर्क ही नहीं कर पाएगा, या करेगा तो गलत कर सकता है, गलत रिजल्ट दे सकता है, वो ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को डिफाइन करना ये बहुत जरूरी है, वो कैसे आप करेंगे। और तीसरा फेज फंक्शन की कॉलिंग, ये कॉलिंग क्या होती है भाई, बनाने के बाद, डिक्लेयर डिफाइन करने के बाद अगर आपको उसको चलाना ही नहीं आता या किसी को भी चलाना नहीं आता तो वो फंक्शन हमारे लिए किसी कार्य का नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी गैजेट्स आपके पास हैं जिसके बहुत सारे फंक्शंस को आपने देखा तो है, बट हाउ टू यूज यू डोंट नो, आप उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। तो ये तीन बातें अगर आप सक्सेसफुली कर लें कि भैया फंक्शन को बनाने के क्या स्टेप्स है, तो आपको बहुत आसानी होगी। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बात बच्चों समझ में आ गई होगी। अब आइए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं एक फंक्शन को डिफाइन करके, एक सिंपल फंक्शन तुम्हारे सी का। तो देखो मैं आपके लिए एक फंक्शन बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा, फंक्शन डेवलपमेंट। सबसे पहले आप सी बनाते हैं तो क्या लिखते हैं आपको पता है, हेडर फाइलें लगाते हो, मैं पूरा प्रोग्राम बना रहा हूं आपके लिए। दूसरे में मेन फंक्शन बनाया मैंने, और मेन के अंदर एक देखिए फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं ऐड, मैं बस जस्ट आपको लिख के समझाता हूं। कुछ लाइनों का कोड है, बस ये खत्म हो गया भाई। ये देखिए बच्चों, देखो आपके लिए एक बहुत छोटा सा फंक्शन संक्षिप्त समय में आपके लिए डेवलप किया मैंने। सबसे पहले वाली लाइन क्या है, ये फंक्शन का कमेंट, आप जानते हैं कि सी में कमेंट बना देते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से दो हेडर फाइलें हैं, एसटीडीआईओ इनपुट आउटपुट और कोनियो कंसोल के लिए, ये भी आप सबको मालूम है, कोई नई चीज मैं नहीं यूज कर रहा। मेन फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया और मेन के अंदर ये देखिए ये मेन का ब्लॉक है। सी लैंग्वेज को एक और नाम से जानते हैं, ब्लॉक ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। क्यों ब्लॉक ओरिएंटेड लैंग्वेजेस कहते हैं, क्योंकि बच्चों यहां हर कार्य, हर एरिया डिफाइंड बाय दीज कर्ली ब्रेसेस, दैट इज कॉल्ड सी में इसको क्या कहा जाता है, सी में हम लोग इसको बोलते हैं ब्लॉक्स। क्या कहते हैं भाई, वी आर सेइंग इट इज अ ब्लॉक। किसका ब्लॉक है, ये मेन का ब्लॉक है। क्यों मेन का ब्लॉक है, ये मेन से देखिए चल रहा है। अब ये लाइन को ध्यान दीजिएगा, आप सबसे निवेदन है, मैंने एक फंक्शन सी में ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं है, ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है बच्चों, ये तुम्हारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है।
अब जरा देखो मैंने क्या डिक्लेयर किया, कंपाइलर से कहा कि सर हम एक ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे, void का मतलब क्या है, सी में कीवर्ड है, ये डिक्लेयर कर देता है अगर किसी फंक्शन नेम के पहले void है तो ये सिंबल है इस बात का कि वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बच्चों किसको? तो जिस जो भी उस फंक्शन को कॉल करेगा उसको। किसको वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा? ये तुम्हारा ऐड फंक्शन, उसको रिटर्न नहीं करेगा जो भी ऐड को कॉल करेगा। वो ऐड, वो जो भी कौन होगा, वो कोई दूसरा और फंक्शन होगा। तो यहां पर तो ऐड को कॉल कौन कर रहा है? मेन फंक्शन। तो यानी ये मेन फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा बच्चों। अब इस और यहां देखिए ये एरिया खाली है पैरेंथेसिस, इसका मतलब क्या है कि हम इसमें कोई आर्गुमेंट सप्लाई नहीं कर रहे, खाली छोड़ दे रहे। अब स्क्रीन क्लियर किया ये लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू। ये देखिए बच्चों इस लाइन को गौर से देखिए, अब हम ऐड को कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले ऐड को डिक्लेयर किया, अब हम ऐड को कॉल कर रहे हैं और यहां कोई सप्लाई आर्गुमेंट नहीं दे रहे। भला क्यों? क्योंकि हमने कह दिया पहले डिक्लेयर करते समय कि हम इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। कंट्रोल यहां से देखिए मेन फंक्शन से अब ऐड की डेफिनेशन पर आ जाएगा। जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे आप, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये लाइब्रेरी नहीं है, ये यूजर डिफाइंड है, और वो उसकी डेफिनेशन को खोजने चल देगा। और उसकी डेफिनेशन ये मिल गई, void add, ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं डेफिनेशन या बॉडी फंक्शन की। और याद रखिएगा ये जो लाइन है इसका मिलना डिक्लेरेशन से एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपका डिक्लेयर आपने अलग तरीके से किया, डिफाइन अलग तरीके से करेंगे तो एरर आ जाएगी। कंपाइलर कहेगा फंक्शन डिक्लेरेशन शुड मिसमैच, मिसमैच की एरर आएगी। तो भैया यहां तो देखो सेम है, यहां भी नाम ऐड है, यहां भी ऐड है, यहां भी रिटर्न टाइप void है, यहां भी void है। अब इसके बाद ये देखिए ये किसका ब्लॉक है? ये फंक्शन का ब्लॉक है, ऐड फंक्शन का। ऐड में पूरा दो नंबरों को जोड़ने का तरीका, इंटीजर वेरिएबल लिए ए बी, यूजर से दो नंबर मांगे, स्कैनफ फंक्शन से दो नंबर ए और बी पे स्टोर किए और प्रिंट करा दिया प्रिंटएफ से ऐड बराबर ए प्लस बी। तो देखिए और इसके बाद एडिशन करके बच्चों ये कंट्रोल वापस यहां से कहां आएगा? नेक्स्ट लाइन ऐड की, तो वो आके यहां गेट सी एच पे रुक जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कितने आसानी से, अभी ये एक जनरल सी जानकारी है, अभी तो मैंने आज आपको ये बताया कि कितने प्रकार के फंक्शंस, कैसे आप फंक्शंस बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सारा जानकारी नहीं डाली जा सकती। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर बच्चों वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है बस कि इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि अदर लोगों को भी मिल सके, ताकि लोग इसको देख सके और उन अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सके, जिसको भी ज़रूरत है वो इसको देख पाए। और कंप्लीट सी लैंग्वेज बच्चों अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ बच्चों पसंद आ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे अलविदा कहता हूँ और आगे ऐसे ही वीडियोज़ आपके लाने की वादे के साथ। गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।